और जैसा कि चल रही है आपकी T20 सीरीज का पार्ट आ गया है थर्ड, और पार्ट थर्ड लेके आया हूँ, शायद पार्ट फोर्थ है या थर्ड है मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी है पार्ट है ना, तो इसमें हम दोबारा से वापस आए अकाउंट्स के क्वेश्चन लेकर, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ें, आंसर देने की कोशिश करें और फिर चेक करें कि क्या आपका आंसर सही था या नहीं बाबा। तो पहला है कि द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, जो आपके एनपीओ के चैप्टर में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किसकी समरी है? कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट की, एक्सपेंस एंड इनकम की, कैश क्रेडिट रिसीप्ट एंड पेमेंट की, या ए एंड बी बोथ? बेसिकली जिन बच्चों ने एनपीओ अच्छे से पढ़ा उन्हें मालूम है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा बिल्कुल कैश बुक की तरह काम करता है, और कैश बुक में क्या होता है, कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए। गिव एनी वन वैल्यू प्रमोटेड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोट कर रहा है? पहली बात तो ये ऐसी फर्म है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, और प्रॉफिट कमाना नहीं है तो क्या है, सामाजिक कल्याण करना। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। करेंट ईयर में आपको एडवांस का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, आपको कोई भी चीज, कोई भी पैसा जब एडवांस में मिलता है उसका मतलब क्या है कि आपको उसका काम करके देना है, यानी कि ये चीज आपके लिए क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है। ये तो खैर आंसर देख क्या होगा कि सारी फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नहीं, सारी फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, एनी चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर बिकॉज ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। कोई भी चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच नए पार्टनर के आने की वजह से, उसे क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं कहते, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं कहते, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसे कहते हैं। तो इसका आंसर है सी। उसके बाद देखेंगे P एंड S आर पार्टनर फॉर इक्वल शेयर, इक्वल यानी कि 1:1। ओके, R इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम P एंड S इन द रेशियो 2:3, कैलकुलेट सेक्रीफाइंग रेशियो। सभी बच्चे ध्यान दें, ऐसे वाले केस में आप सेक्रीफाइंग रेशियो निकालने मत लग जाना। यहां देखो P एंड S किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2:3 में, तो आंसर क्या होगा, 2:3। वाई न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल इन टू द फर्म, नया पार्टनर कैपिटल क्यों लाता है फर्म में भाई? अगर आप कुछ पैसा नहीं लेके आओगे तो उस घर में अधिकार कैसे चलाओगे, उस घर में आपका क्या अधिकार जब कुछ पैसे लेके ही नहीं आए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दे रखा है आपको कि NO, 3 है पार्टनर, रेशियो है 5:2:1, न्यू रेशियो है 3:2, वॉट विल बी द गेयरिंग रेशियो। गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड, ये न्यू है ये ओल्ड है, आप इसे सॉल्व करना, आपका आंसर 14:11 आएगा, है ना। उसके बाद इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विच लायबिलिटी आर टू पेड फॉर, डिसोल्यूशन में सबसे पहले थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है वो पेड करी जाती है, आपने पढ़ा भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोड अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल, इनमें से कौन सी चीज शेयर कैपिटल के अंदर नहीं आती, ऑथराइज आता है, इश्यू आता है, सब्सक्राइब आता है, रिजर्व नहीं आता, 10th का डी। इफ शेयर आर इशूड एट द परचेज, परचेज कंसीडरेशन का फॉर्मूला है, प्रीमियम वाला केस है, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी टोटल वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं प्रीमियम को जोड़कर, ये यानी कि ये फॉर्मूला होता है। डिबेंचर कैन बी रिडीम एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव, या ई। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 5 ऑप्शन है, क्योंकि इसका आंसर ए और बी बोथ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉट विल बी द लिमिट फॉर DRR, अगर आप जो रिडीम कर रहे हो वो कैपिटल में से कर रहे हो, और रिडीम कर रहे हो तो प्रॉफिट में से, अगर आप जब डिबेंचर का पेमेंट कैपिटल में से करते हो तो आपके लिए 25% जो ट्रांसफर करना पड़ेगा वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रिडीम कर रहे हो अपने प्रॉफिट में से तो 100% ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। पूछा है कि आइडल रेशियो क्या होगा वर्किंग कैपिटल का, यार सी बात है मुझे बताने की नीड नहीं, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा आइडल रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1। उसके बाद गिव एन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप अपनी तरफ से करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अंडर विच सब हेड लाइव स्टॉक आर अपियर इन अ कंपनी बैलेंस शीट, लाइव स्टॉक क्या होता है, जीता जागता आपका ये घोड़े हॉर्स वगैरह होते हैं, ये सब हमारे लाइव स्टॉक होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, करेंट लाइबिलिटी, ये आएगा हमारी फिक्स एसेट्स, किसमें आएगा, फिक्स एसेट्स में। यहां देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, डी दे रखा है लेकिन इसका आंसर फिक्स एसेट्स होगा, है ना। उसके बाद आपसे पूछा है
स्टेट रीजन फॉर हाउ क्वालिटी एस्पेक्ट आर इग्नोर्ड इन पार्टिसिपेशन में, ये भी आप अपनी उससे कर सकते हैं, योगी थ्योरी का कंसेप्ट है। फाइनेंशियल एनालाइजिंग इज गेटिंग सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, फाइनेंशियल एनालाइजिंग बहुत ही जरूरी है, क्यों, इज इफेक्टेड बाय पर्सनल बेस, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, डिफिकल्टी इन फॉरकास्टिंग, मेजर एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, जो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करता है, इसलिए आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब